Good morning everybody. Ideal Education Board New Chaudhary Public School Kojara online education में आपका स्वागत है। मैं English subject study करवा रहा हूँ। Chapter test चल रहा है। Basically तीन part बताए गए थे, present tense, past tense और future tense। Present tense के हम part पढ़ लेते हैं, present का क्या मीनिंग है पढ़ लिया था, प्रेजेंट का कंटीन्यूअस पढ़ लिया था। आज हम चलेंगे प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट का तीसरा या प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस वो होता है जिस वाक्य के पीछे आता है किया है, दिया है, लिया है। सिंगुलर और प्लुरल में किया है तो ये किए हैं, की है, दिया है, दिए हैं, दी है, लिया है, ली है, लिए हैं। फॉर्मूला जो हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज में से हैव प्लूरल के लिए आएगा, हैज सिंगुलर के लिए, क्रिया का थर्ड रूप आएगा क्योंकि इसमें काम कंप्लीट होता है और ऑब्जेक्ट। मैंने कक्षा 10 कर ली है, इसके पीछे है आता है प्रेजेंट टेंस है और ली है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। और परफेक्ट टेंस का ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट है मैंने को अंग्रेजी में कहते हैं आई। हैव और हैज में से आई को प्लूरल माना गया प्रेजेंट के इंडेफिनिट और प्रेजेंट के परफेक्ट में। क्रिया का थर्ड रूप कुतिम करने को कहते हैं पास्ट। पास्ट का तीसरा रूप होता है पास्ट। ऑब्जेक्ट है क्लास 10। अध्यापक ने पाठ पढ़ा दिया है, पढ़ा दिया है जिस वाक्य के पीछे है आता है प्रेजेंट टेंस, दिया है आता है प्रेजेंट का परफेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें काम करने वाला है टीचर, वो सब्जेक्ट कहलाता है। सिंगुलर है हैव और हैज में से हैज। क्रिया का थर्ड पढ़ाने को कहते हैं टीच। टीच का तीसरा होता है टॉक। क्या पढ़ा दिया है पार्ट को कहते हैं चैप्टर या लेसन। इस तरह से हम हिंदी से अंग्रेजी वाक्य कन्वर्ट करेंगे। अगर हमें करेक्ट ऑफ द वर्ब सीखना है तो प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे पहचानेंगे, तो उन वाक्यों में ये वर्ड दिए हुए आएंगे तो प्रेजेंट का परफेक्ट होगा। वो वर्ड होंगे जस्ट, केवल नाउ आता है तो कंटिन्यूज और जस्ट नाउ आता है तो प्रेजेंट का परफेक्ट। येट, सो फार, ऑलरेडी और येट, रिसेंटली, इन वर्डों को देख के हम पहचान जाएंगे वो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते फॉर्मूला यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैव एज प्लस क्रिया का थर्ड रूप प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उसमें दिया हुआ पहले से होता है, हैव और हैज में से सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखेंगे, क्रिया का थर्ड रूप कर देंगे, ये है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। नमस्कार।